देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटू पहले ये करना है ना बेटा, फटाफट होमवर्क करेंगे फिर खेलने जाएंगे। अरे नंदू, मैथ्स तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमसे ये वाला प्रॉब्लम ना सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमारी हेल्प कर दे। श्योर, व्हाई नॉट। लो। ऐसे नंदिश बेटे, आपको पता है मम्मा ना टॉप करती थी मैथ्स के एग्जाम में, और जो मैत्री है ना ये कभी कभी फेल हो जाती थी। पर कल तक तो आप ही मेरे मैथ्स के सम सॉल्व कराती थी, तो आज क्यों नहीं कर पा रही हो? नंदिश, मैं ना कल तक कैलकुलेटर यूज करके चीटिंग करती थी, पर आज तो हमारे पास शार्प माइंड वाली नंदू है ना, वो हमारे साथ है, वो हेल्प कर देंगी। नंदिश बेटा, मम्मा करेगी आपकी सम सॉल्व, ओके? चलो आओ, करते। जाना नहीं, यही रहना। हाँ बच्चे, मैं तो यही हूँ, मैं तो बस देख रही थी। आप करो करो जल्दी अपना होमवर्क करो। सोच रहे कि काश दीदी का प्लेन क्रैश हो गया होता और सारी समस्याओं का अंत हो गया होता, लेकिन नहीं, वापस टपक पड़ी हैं, नुकसान कर दिया हमारा। अब देखो, डबल आमदनी के चक्कर में हमने जो मकान किरायेदार को दे रखा है ना, अब उस किरायेदार को वहां से हकालना पड़ेगा, मतलब आमदनी बंद। अरे बिना बताए आती ना तो और हाय तौबा मचती और कहती कि बिना पूछे मकान किराए पे काहे दे दिए। चुप चुप बुला कर, हम अभी फोन करके पता करते हैं। बेटा स्पीकर में लगाते, सुनो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ भैया। दीदी गंगा मैया बली करे, यानी हम तुझ पुरानियों को भी अवगत करवा दीजिए कि आप इस घर में वापस कब आएंगी। आ रही हूँ भैया, घर ही आ रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी के साथ। आप एक काम करिए, घर की सफाई करवा के रखिए, मैं यहाँ रिश्तों की सफाई कर रही हूँ। नंदिनी के दिमाग में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि मैत्री ने उसकी माँ वाली पोजीशन छीन ली है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। मैत्री को मैंने तिवारी सदन में रोक लिया है, मैत्री यहाँ रहेगी तभी मैं नंदिनी का ध्यान मैत्री और आशीष की नजदीकों की तरफ लेके जाऊंगी। उनके बीच कुछ भी ना हुआ तो भी मैं नंदिनी को ये यकीन दिला दूंगी कि उनके बीच में बहुत कुछ है। फिर वही होगा जो मैं हमेशा से चाहती थी, नंदिनी को आशीष से हमेशा के लिए दूर करने की तैयारी कर रही हूं। क्या हुआ बेबी? मैत्री माँ कहाँ है? बेटा वो माँ, I mean मासी। माँ
मुझे आपके साथ खेलना है। चलिए ना खेलते हैं ना। हाँ खेल सकते हैं। बट नंदिश मेरा पैर मुड़ गया अभी। अभी क्या करे? मैं तो ऐसे नहीं खेल पाऊंगी। क्या करे क्या करे? नंदिश, अरे नंदिश जीत जाएंगी। नंदू मम्मा जल्दी जाओ, भागो भागो, मम्मा को चेस करो, मैं आती हूँ बाद में। ठीक है अब वहां बैठो, मैं गेम जीत के आता हूँ। ओके जाओ। कि जब तक मैत्री इस घर में है, नंदिश अपनी असली मां को यानी नंदिनी को कभी नहीं स्वीकारेगा। मां अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैत्री नंदिश के पास जाने के लिए सिर्फ तू ही मुझे हेल्प कर सकती है। क्या है आशीष? तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? नंदिश से दूर होने की कोशिश ताकि नंदू उसके करीब जा पाए। प्रेगनेंसी के वक्त नंदू ने नंदिश को लेकर कितने सपने देखे थे ना आशीष। आज देखो चारी उसके प्यार के लिए तरस रही। मैत्री नंदू की सिचुएशन के बारे में मुझे ऑलरेडी पता, तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है मुझे वो जानना। 6 साल में तुमने भी तो इतना कुछ सहा, ताई जी के ताने बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी तुम्हें नंदिनी के लिए बुरा लग रहा है, अपने लिए नहीं। 6 साल पहले कोर्ट ने नंदिश के साथ यहाँ रहने के लिए जो तुम पे बेड़ियां डाली थी उसके लिए बुरा नहीं लग रहा क्यों मैत्री? मुझे इस बात का बुरा लग रहा है आशीष, सब लोग मेरी वजह से इतने परेशान हैं। नंदू सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर गई थी और उसे कोई भी चीज वैसी नहीं मिली जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। और मेरी मम्मी वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही, ना अच्छी दोस्त बन पाई और ना ही अच्छी बेटी। आशीष मैत्री ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलती है और तुम्हारी जैसी अच्छी बेटी हर माँ को नहीं मिल सकती। मैत्री तुम सुपर वुमेन हो जो कभी गिव अप नहीं करती। हाँ तो आज भी मत हारना, क्योंकि अगर तुम हार गई तो मेरा क्या होगा कालिया? इससे चुप हो जाती, गंदे जोक्स क्यों मार रहे हो? ये सारे फोटोज और वीडियोस टाइम आने पर नंदिनी को दिखाऊंगी। एक केस क्लोज्ड। नंदू की घर वापस आने की खुशी में आज कुसुम आंटी ने माता की चौकी रखवाई है, तो प्लीज मम्मी पापा को लेकर टाइम पे आ जाना, ठीक है? दीदी हर बार मुझे क्यों फंसाते हो आप? खुद बोलो ना मम्मी पापा से। अरे मैं खुद तब बोलू ना जब कोई बात करे मुझसे। नंदिश के बर्थडे पार्टी पे जो हुआ उसके बाद से बहुत नाराज है मुझसे। कल भी नंदिश के लिए मुझे अचानक आना पड़ा, बात ही नहीं करी मम्मी तो, इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ। वो नंदू से भी मिल लेंगे और मैं भी उन्हें पटाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? ठीक है बाय। माँ सी नंदिश मास ये क्या हो गया नंगू प्रसाद? ऐसे नंगू पंगू घूमी क्यों की जा रही है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मासी। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप
राइट वाला बना दो ना जिसमें मैं हीरो लगूं। ए, मेरा छोटू तिवारी तो पहले से हीरो है, पर देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या सुंदर छवि है। सच में कुसुम, नंदिनी की घर वापसी की वजह से माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए माता की चौकी बिठाना एकदम नंबर एक आइडिया था तुम्हारा। हाँ जी जी, हम माता रानी से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारी सारी उलझनें दूर कर दे, खासकर मैत्री की जिंदगी की। हाँ, आ गए। माता रानी सदैव तुम दोनों को इसी तरह सुखी रखे, साथ साथ रखे। वाह बहू, 6 साल की कोमे के बाद भी तुम साथ श्रृंगार करना नहीं भूली। आज मम्मा ने रेडी किया मुझे। अपनी बेटी की गृहस्थी को बनाए रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा, वरना पति को भटकने में आजकल ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर पति का नाम एडवोकेट आशीष तिवारी हो, जो अपनी पत्नी नंदिनी तिवारी से बहुत प्यार करता है, तो भटकना इम्पॉसिबल है। वैसे यू आर राइट, आज नंदिनी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे तो उससे दोबारा प्यार हो गया। दोबारा क्यों आशीष? इन 6 सालों में तुम्हारा प्यार खत्म हो गया था। नंदू, अब कोई इतना प्यारा हो तो उससे प्यार खत्म हो सकता है? मैं तो तुम्हारे प्यार में बार बार, हजार बार पढ़ सकता हूँ। इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने तुम्हें प्यार से याद ना किया। और इसकी गवाह मैं हूँ। नंदू, तुझे पता है इन 6 सालों में आशीष ने अपनी हर सांस में तेरा नाम 2 बार लिया। न जाने वकील साहब ने कितनी रातें तेरी याद में काटी। हाँ, ये आइडिया तो उसी का होगा ना, जिसने आशीष के साथ दिनों रात गुजारे हो। चलिए, अब इन सब बातों का समय नहीं है। नंदिश बेटा, ये क्या पहन लिया आपने? अरे, ये नोटी तिवारी मेरे पास आए थे एकदम नंगू पंगू होके, तो मुझे कुर्ता अच्छा लगा तो मैंने पहना दिया। नंदिश सुनो तो। अजय नंदिश, एक बार सुनो तो। अजय पहन के देखो, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अजय सुनो, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना, तो आज पूजा के लिए प्लीज मुझे आपको रेडी करने दो। हाँ, आ जाओ। ये कलर मेरा फेवरेट भी नहीं है, सेकंड फेवरेट भी नहीं है, थर्ड फेवरेट भी नहीं। नंदिश बेटा, लेकिन ये मेरा फेवरेट कलर है। आप इसे पहनोगे ना तो पूरे हीरो जैसे लगोगे। प्लीज पहन लो। पकड़ लिया, चलो, गुड बॉय। अब नंदिश बेटा, मेरा फेवरेट कलर पहनेगा। वेरी गुड। जय माता दी। हेलो पुलिस नानू। हेलो मेरे बेटा, क्या हाल है तेरा? हेलो क्यूट नानी। हेलो। चाहे कोई आए ना आए, ये प्रमुख अतिथि जरूर पधार जाएंगे। नंदिनी, तुझे ऐसे चलते फिरते बात करते देखना ना किसी सपने से कम नहीं। भगवान तुझे स्वास्थ्य और समृद्धि दे। ये तो मेरे 6 सालों की तपस्या है। 6 साल सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने बस नंदिनी को कोमा से बाहर लाने में लगा दिया। परिवार के सभी सदस्य आरती के लिए आई
अंबे मात की जय। अंबे मात की जय। अंबे माता की जय। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच नंदिनी को मेरी लाइफ में वापस भेजने के लिए। तो ये जयकारा नंदिनी के वापस आने के लिए और उसकी हेल्थ के लिए। बोलो साचे दरबार की जय। और माता रानी मैत्री पे तो आपकी स्पेशल कृपा है, वरना 6 साल तक इस शैतान को पालना मतलब मेरे बच्चे को पालना आपकी ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैत्री नहीं होती तो नंदिश हमारे साथ नहीं होता। अपनी दोस्ती को उसने अपने सपनों से ऊपर रखा, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जो सिर्फ मैत्री के पास है। तुम मैत्री पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना माता रानी। ये चौकी नंदिनी के साथ साथ मैत्री के भी नाम है। जय माता दी। जय माता दी। विवाहित जोड़े अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नंदिश बेटा आ जाओ, मम्मी पापा के साथ बैठो। आप मेरी मम्मी थोड़ी हो, जस्ट फ्रेंड हो। सैम। नंदिश बेटा ऐसे नहीं बोलते। और फिर पूजा में तो बेबीज अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं ना, ये आपके पेरेंट्स हैं। चलो बैठो। तो आप भी मेरे साथ बैठो। एवरी टाइम आप फ्रंट में मेरे साथ बैठती हो ना, मैं तब भी बैठूंगा जब एवरी टाइम की तरह आप भी मेरे साथ बैठोगी। नंदिश बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे साथ बैठना होगा। आप ना बैठो ना। अच्छा ठीक है मैं बैठती हूँ, पहले आप आओ। आज गुड जॉब नंदिश, नंदू के सामने आशीष और मैत्री को कपल दिखाकर तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैत्री तू जाना, मैं भजन के लिए मंजीरे लेकर आती हूँ। ठीक है जल्दी आना। भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा
मैत्री हाथ छोड़ मेरे बेटे का। मैं वही कर रही हूँ नंदू, आपके साथ डांस करना छोड़ो। मासी अब चाहिए मुझे।